आज कोरोना महामारी पे सुओ मोटो केस सुनते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ साफ कह दिया है कि वह किसी भी हाई कोर्ट को कोरोना मामले से जुड़े केसेस सुनने से नहीं रोकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि उनका मकसद कभी भी ये नहीं था कि जो कोरोना से जुड़े केसेस राज्यों के हाई कोर्ट में पहले से चले आ रहे हैं उन सबको रोक दें और वे ये सारे केसेस खुद सुने। धारा 32 भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के धारा 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना महामारी पे सुओ मोटो इसीलिए उठाया क्योंकि ये महामारी किसी एक राज्य पे सीमित नहीं है पर इसका असर पूरे देश भर में देखा जा रहा है, इसलिए ये जरूरी बनता है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले को सुने। सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र सरकार से कठिन सवाल पूछे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को यह बोला है कि आप हमें ये बताइए कि देश में कितना ऑक्सीजन है और कितना ऑक्सीजन और चाहिए और आप क्या कदम उठा रहे हैं देश में ये ऑक्सीजन बनाने के लिए या बाहर से लाने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से यह भी बोला कि उस प्लान में आप हमें ये भी बताइए कि जो ऑक्सीजन आप बनाएंगे वो आप सारे राज्यों में कैसे बांटेंगे और सारे राज्यों के बीच और आपके और राज्यों के बीच कैसे वार्तालाप होगा, उस सब चीज का एक प्लान बनाकर आप हमें पेश करिए। सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से रेमडेसिविर ड्रग और कोरोना के लड़ने के लिए वैक्सीनेशन और हॉस्पिटल बेड्स और हेल्थ केयर वर्कर्स के ऊपर भी सवाल पूछे। सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला केंद्र सरकार से कि जो आप एक प्लान बना रहे हैं उसमें आप ये भी बताएं कि कैसे वैक्सीनेशन और हेल्थ केयर वर्कर्स और मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और कोविड 19 के लिए बेड्स आप देश भर के सारे राज्यों में इन सब की पुष्टि करेंगे, इसका भी जवाब आप अपने प्लान में हमें बताएं। कोर्ट ने केंद्र सरकार से यह भी बोला कि जो दो चीजें आपके अंदर आती हैं, भारतीय सेना और भारतीय रेलवेज, इन दोनों का इस्तेमाल आप कैसे करेंगे कोरोना महामारी से लड़ने के लिए वो भी आप हमें बताएं। अगली पेशी में केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के सामने यानी उच्च न्यायालय के सामने अपना प्लान रखेगी जिसमें वह ये बताएगी कि वह कैसे ऑक्सीजन की डिमांड को पूरा करें और उस ऑक्सीजन की डिमांड को बाकी राज्यों में कैसे बांटे, उस सबका एक प्लान वह सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश करेगी।